Hello and welcome to Bytesfeast channel, and become a subscriber by clicking the subscribe button. Thank you. Network security lecture number 8. Symmetric or conventional cipher model. इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि जो सिमेट्रिक या फिर कन्वेंशनल इंक्रिप्शन जो होती है इसका मॉडल किस तरह से होता है, ये इंक्रिप्शन की टेक्निक्स जनरली किस तरह से काम करती हैं। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक की का इस्तेमाल होता है इंक्रिप्शन के लिए भी और डिक्रिप्शन के लिए भी। तो क्योंकि एक की का इस्तेमाल होता है तो हमें उस की को एक्सचेंज करना पड़ता है जो दोनों पार्टीज़ कम्युनिकेट कर रही हैं उनके दरमियान, के जो रिसीविंग पार्टी है जो उस वो डिक्रिप्शन भी सेम की से कर सके। लेकिन ये जो एक्सचेंज होती है की की, ये बहुत ही सिक्योर फैशन में होना चाहिए और की का डिस्क्लोजर नहीं होना चाहिए, की को सिक्योर रहना चाहिए। हमारा जो सिमेट्रिक साइफर इंक्रिप्शन होती है ये फास्टर होती है और मोर एफिशिएंट होती है असिमेट्रिक इंक्रिप्शन से। इसी वजह से हम लोग इसको यूज़ करते हैं ज़्यादा डेटा या फिर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा की इंक्रिप्शन के लिए की एडसॉर्प्शन। अब इसके अंदर ये होता है कि जो हमारी की बार बार यूज़ हो रही होती है ये एक तरह से वेयर आउट या फिर ज़ाया होती रहती है। वो कैसे? जब हम लोग किसी की को इंक्रिप्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं तो वो की अपनी कुछ ना कुछ पहचान उस इंक्रिप्टेड टेक्स्ट या फिर उस साइफर टेक्स्ट में छोड़ देती है, जिससे अगर हम लोग बहुत ज़्यादा की को इस्तेमाल करते हैं तो उससे जो हमारा अटैकर है या इंट्रूडर है या फिर कोई भी बंदा है जो डिक्रिप्ट करना चाहता है हमारे मैसेज को, वो की का पता लगा सकता है। क्योंकि हम लोग जब इंक्रिप्ट कर रहे हैं तो की मदद से इंक्रिप्ट कर रहे हैं और इंक्रिप्ट करते हुए कुछ इंफॉर्मेशन की रह जाती है। जैसे कि ए को हम लोग इंक्रिप्शन करने के लिए हम लोग ए को डिनोट करते हैं किसी लेटर सिंबल ओ से। अब हर जगह वो ओ सिंबल यूज़ हो रहा होगा एक ही जगह, तो जो बंदा उसको डिक्रिप्ट करना चाह रहा होगा या फिर जो साइफर टेक्स्ट देख रहा होगा उसको ये पैटर्न समझ आ जाएगा कि जहाँ जहाँ ओ यूज़ हो रहा है वहाँ दरअसल ए उसको पुट करना है। तो ये हमारी की एक अपना ट्रेस छोड़ ली है जिसको पता लगा के हमारा जो इंट्रूडर है या फिर अटैकर है वो हमारे मैसेज को डिक्रिप्ट कर सकता है। तो इसकी डिफेंसेस किस तरह से होती हैं, हम लोग इसको बचाते कैसे हैं? एक तो हमें किसी भी की को ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना है, उसका हमें एक यूसेज पीरियड पता होना चाहिए कि इस हद तक इसको इस्तेमाल करना है और फिर उस की को हम लोग चेंज कर देते हैं, दूसरी की का यूज़ करते हैं। लेकिन चेंज करने के अंदर भी हमारी की मैनेजमेंट होनी चाहिए, क्योंकि जो हमारी पिछली की है वो रिकवरेबल या फिर ट्रेसेबल होनी चाहिए। अगर हमारी पिछली की जिससे इनक्रिप्ट डेटा किया है वो ट्रेसेबल नहीं रही और हमने नई की इस्तेमाल करना शुरू कर दी, तो जो जितना पिछला डेटा था जो उस की से इनक्रिप्ट हुआ है, अब हम लोग उस डेटा को डिक्रिप्ट नहीं कर पाएंगे और वो डेटा लॉस हो जाएगा। मॉडल इसका जो है वो एक डायग्राम के थ्रू समझे। सबसे पहले एक प्लेन टेक्स्ट गया इंक्रिप्शन एल्गोरिथम के अंदर, उस इंक्रिप्शन एल्गोरिथम में हमने एक की एंटर की, की भी हमने इनपुट दिया, वो मैसेज ट्रांसफ़र हुआ या ट्रांसमिट हुआ रिसीवर साइड पे और डिक्रिप्शन एल्गोरिथम में वापस से गया। अब डिक्रिप्शन एल्गोरिथम के अंदर हमें सेम की ज़रूरत होगी जिस की से हमने इनक्रिप्ट किया था, वो हमने इनपुट डाली जिसको हमने सिक्योर फैशन में एक्सचेंज किया है और हमारे पास वापस से वो प्लेन टेक्स्ट आ जाएगा। तो ये हुआ सिमेट्रिक या फिर कन्वेंशनल इंक्रिप्शन का मॉडल। थैंक यू।